हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल इजी तरीके से मेकअप करना। मेकअप जिनको बहुत मुश्किल लगता है और जिनको बिल्कुल भी मेकअप का एम भी नहीं आता, वो भी बिल्कुल आसानी से इसे कर सकते हैं। और इसके लिए कुछ आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट की ज़रूरत है और जो आपको लेना पड़ेगा। बाकी तो आपके सभी के पास, जो हम लेडीज़ के पास होते ही हैं, कोई भी शादी होती है, कोई भी फंक्शन होता है, तो हर लेडीज़ चाहती हैं कि अपनी वो ड्रेस के अकॉर्डिंग अपना मेकअप करे, अपना अच्छे से अपने को ड्रेसअप करके, अच्छे से अपना मेकअप करके किसी पार्टी में, किसी ओकेज़न में जाए। तो और काफ़ी बार होता है लेडीज़ को होता है कि उन्हें नहीं आता बिल्कुल मेकअप, बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है और ये देख के वो अपना अच्छे से मेकअप कर पाएंगी। मेकअप को करने के लिए आपको चाहिए कि एक वाइट टोन पाउडर। वाइट टोन पाउडर हर लेडीज़ को पता ही होगा, जो आजकल काफ़ी प्रचलन में है। और सिर्फ इसको यूज़ करके हम अपना पूरा मेकअप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लेना है। आप जो भी आपके स्किन पे डर्ट वगैरह और जो भी ऑयल वगैरह आ रखा है, वो अच्छे से आप क्लीन कर लें। मैंने अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लिया और अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी अपना मॉइस्चराइज़र फेस पे यूज़ करना है। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, और मैं यहाँ पे लैक्मे का सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। आप कोई ऑयली सनस्क्रीन, जो जिसमें ऑयल होता है, वो वाला सनस्क्रीन भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं लैक्मे का यूज़ कर रही हूँ। हल्का सा आप अपने फेस पर अप्लाई करें। अच्छे से मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद अब आपको यूज़ करना है ये वाइट टोन पाउडर। आप अपने हैंड पे थोड़ा सा ले लें इसे। यस, इतना सा ले लिया मैंने। और अब आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, अगर आपके पास है तो इसे यूज़ करें, अदरवाइज़ आप हाथ से भी इसे यूज़ कर सकते हैं, किसी ब्रश की हेल्प से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और फिर आपको ऐसे यूज़ करना है अपने फेस पे, टैप टैप करते हुए यूज़ करें, तो ये स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। इस मेकअप में आपको कोई कंसीलर, कोई फाउंडेशन, कोई प्राइमर, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। खाली इससे इतना अच्छा मेकअप हो जाता है कि आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अंडर आइज पे भी अच्छे से अप्लाई करें। आपको थोड़ा सा अभी लग रहा होगा कि थोड़ा वाइट ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये थोड़ी सी देर में स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। और आप इसे चाहें, जो न्यूली मैरिड हैं, जिनको मेकअप नहीं आता, या फिर जो मेकअप सीख रहे हैं, और जो जैसे जिसको घर पे डेली मेकअप करना होता हो, तो वो इसे डेली भी यूज़ कर सकते हैं। और गर्मियों के लिए तो काफ़ी अच्छा है। गर्मियों में जो स्किन से है ऑयल रिलीज़ होता है, या स्किन के जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है और स्किन जल्दी से हमारी डल हो जाती है, वो इससे ठीक रहती है। और हाँ, यस, अच्छे से मैंने ये कर लिया। टैप टैप करके आप इसे यूज़ करें, और अगर आपने हाथ से यूज़ किया तो हल्के हल्के हाथ से, ऐसे ऐसे टैप टैप करें बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से, तो ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन में। उसके बाद हम यूज़ करेंगे लिपस्टिक। लिपस्टिक आप
कोई भी यूज़ करें, और लेकिन ध्यान रहे कि कोई पिंकिस या रेडिस कलर की लिपस्टिक यूज़ करें। हल्की सी अपने यहाँ पे चिक्स पे अप्लाई करें एज अ ब्लशर। अब इसको हाथ की ही हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लें। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि आपकी जो लिपस्टिक का कलर है वो या तो पिंकिश हो या पीच, जो भी हमारे ब्लश के कलर होते हैं वो वाले यूज़ करें। सर थोड़ा सा कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा और लगा लें। अब आप अपनी काजल यूज़ कर लें, जो भी करते हैं आप करना चाहते हैं करें, अदरवाइज ऑप्शनल है। अब हम लिप लाइनर यूज़ करेंगे। लिपस्टिक आप वही यूज़ कर लें जो आपने यहाँ पे एज अ ब्लशर यूज़ करी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा फेस पे वो आ गया है लुक। और इतना ही सब हम जब फाउंडेशन यूज़ करते हैं, कंसीलर यूज़ कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हैं, जब इतना हमें देखने को मिलता है, और इसमें तो हमने कुछ यूज़ ही नहीं किया है। और अब हम यूज़ करेंगे, कोई अगर आपके पास लिप कलर्स हैं, लिप कलर्स जैसे अगर आपके पास रेड भी जैसे लिप लाइनर है, अगर रेड कॉफी मैरून और कोई कोई भी है, आप उसे अपने एज अ आई लाइनर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप आई लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये ब्लू कलर का, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और कोई ये अपने पास ज़रूर रखें, ये लिप लाइनर्स जो होते हैं, आईलाइनर भी यूज़ होते हैं ऐसे, और ये बहुत सारे कलर्स में आते हैं, गोल्डन हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, आपको ये डिफरेंट कलर एक दो अपने पास रखने चाहिए। कोई ज़्यादा महंगे भी नहीं आते हैं, ओनली 20 रुपीज़ का है ये, और इससे एक अच्छा सा लाइनर आप आई शेड एज आई लाइनर एज आई शेडो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और हमारा मेकअप कंप्लीट है, आप देख सकते हैं कितने कम समय में हमने इसे कंप्लीट किया है। और अब हम यूज़ कर लेते हैं एक स्टोन वाली बिंदी। हमारे मेकअप लुक कंप्लीट है, हमारा मेकअप कंप्लीट है, आप देख सकते हैं कितने कम समय में हमने इसे किया है। और आप हेयर स्टाइल जो भी रखना चाहें।
तो आपने देखा ना इसको करना कितना इजी है और हर कोई से कर सकता है बिल्कुल इजी तरीके से। और जिसको मेकअप नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता है, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत से लोग हैं जो वीडियोज़ देख के चले जाते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन बाय।